नमस्कार मेरे छोटे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपके लिए ऑनलाइन क्लासेज विषय गणित कक्षा 10th की प्रश्नावली 2.1 लेकर के आया हूँ, जिसमें हम बात करना चाहते हैं बहुपद के विषय में। एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो a0 एक्स की पावर एन प्लस a1 एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस a2 एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस an माइनस वन एक्स प्लस an के रूप में बहुपद के रूप में कोई भी व्यंजक दिए गए हों तो उसको हम बहुपद कहते हैं, जहाँ a0 a1 a2 an जो यहाँ पर दिए गए हैं ये हमारे वास्तविक संख्याएं हैं। यह वास्तविक संख्याएं तो आप जानते ही होंगे, जिनको 1 2 3 4 5 से डिनोटेड हम करते हैं बहुपद। बहुपद के प्रकार आपको दिए गए हैं यहाँ पर एकपदी बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो एकपदी कहते हैं, जैसे x2। इसमें मात्र और मात्र एक ही पद दिया गया है x2। यहाँ पर ax दिया गया है जिसमें ax एक ही पद है। इसमें यहाँ पर a²x³ यहाँ पर भी एक पद यह ही है। 1/b x^4 यहाँ पर डॉट डॉट आदि ये सभी एक पदीय बहुपद हैं। द्विपदीय, हम यहाँ पर एक पद की बात कर रहे थे तो यहाँ पर एक पद ही दिया गया है, एक पद। यहाँ पर हम द्विपद की बात करते हों तो ऐसे ऐसे बहुपद जिसमें केवल केवल दो पद हों, दो पद हों, जैसे ax+b, कॉमा दूसरा दिया गया है b/c आदि। इस प्रकार के पद व्यंजक हमारे द्विपदीय कहलाते हैं। अब हम जैसे कि बात करते हैं आगे त्रिपद, त्रिपदीय, त्रिपदीय जहाँ पर तीन पद दिए गए हों, जिसमें जिसमें तीन तीन पद हों, वह त्रिपदीय त्रिपदी होता है। जैसे कि बात करते हैं हम ax²+bx+c, सी इसमें एक पद दो पद तीन पद ये दिया गया है तो ये त्रिपदीय होता है। अब हम बात करते हैं शून्यपदी, यहाँ पर दिया गया है शून्यपदी के विषय में अगर हम बात करते हैं जिसका गुणांक शून्य हो, जैसे कि ax दिया गया है तो यहाँ पर इसका जो गुणांक होगा वो शून्य होना चाहिए, शून्य, 0x, 0x, इसका गुणांक शून्य है तो ये शून्य पदी हो गया। कॉमा दिया गया bx+c दिया गया है और इसका जो गुणांक दिया गया वो दिया गया है शून्य, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, शून्य पदीय पदीय बहुपद हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्नावली से रिलेटेड, प्रश्नावली दी गई है आपको, प्रश्नावली 2.1, प्रश्नावली दी गई है 2.1 जिसका हम बात कर रहे हैं 2.1। नमस्कार मेरे छोटे प्यारे बहन भाइयों, मैं आपके लिए कक्षा 10वीं क्लास की गणित प्रश्नावली 2.1 आपके सामने प्रस्तुत है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं।
इसमें लिखा हुआ है किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे चित्रों में दिया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हमें शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम देखते हैं, ये हमारा ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में ये वाला जो पोर्शन दिया गया है वो हमारा वाई एक्स दिया गया है। ये वाला यहाँ पर पोर्शन दिया गया है, ये हमारा एक्स एक्स दिया गया है। जिसमें ग्राफ में हमको ये वाली रेखा ड्रॉ की गई है, रेखा ये वाली ड्रॉ की गई है। इस रेखा के द्वारा एक्स अक्ष को एक भी बार टच नहीं किया गया है, काटा नहीं गया है। जब एक भी बार इस रेखा के द्वारा ये वाली लाइन टच नहीं की गई है तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे ग्राफ में रेखा द्वारा एक्स अक्ष का कहीं भी कट नहीं किया गया है, इसलिए शून्यक शून्य होगा। इसलिए शून्यक शून्य है इसका। यहीं हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात अगर हम करते हैं तो ये वाला वाई एक्स दिया गया है, ये वाला एक्स अक्ष दिया गया है। यहाँ हमारा केंद्रक जीरो दिया गया है। ये वाली हमारी रेखा है, पहले वाली रेखा ये थी लेकिन इसमें रेखा ये दी गई है, इसमें रेखा दी गई है। ग्राफ में रेखा के द्वारा ये वाली रेखा है, इस रेखा के द्वारा एक बार ये हमारी वाई एक्स है, इसको हम नहीं डिनोटेड करेंगे, इसको हम नहीं लेंगे। ये हमारी एक्स अक्ष ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन को ये रेखा एक बार काटती हुई जाती है, तो इसलिए काटा गया है, एक बार काटा गया है, इसलिए शून्यक क्या होगा, शून्यक एक होगा। शून्यक क्या होगा, एक होगा। शून्यक बराबर एक होगा, शून्यक बराबर एक होगा। यहीं हम तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें यह देखिए कि यहाँ पर दिया गया है ये वाली एक्स अक्ष वाई एक्स दिया गया है, ये वाला एक्स अक्ष दिया गया है, तो हमें ये वाली रेखा दी गई है। अब देखिए कि ये वाली हमारी एक्स अक्ष है, ये वाला एक्स अक्ष है। इस एक्स अक्ष को यह रेखा कितनी बार प्रच्छेदित करती है, देखिए प्रच्छेदित कितनी बार करती है। एक बार तो काटा यहाँ पर है इसने, दूसरी बार काटा यहाँ पर है, और तीसरी बार फिर यहाँ पर काटा गया है। तो इसलिए ये रेखा कितनी बार इस एक्स अक्ष को काटती है, तीन बार काटती है। यहाँ पर ये वाई अक्ष भी काटा हुआ है लेकिन हम वाई अक्ष को नहीं लेंगे, यहाँ पर हमें ओनली एक्स अक्ष को ही लेना है, जो एक्स अक्ष को यह काटती है। ग्राफ में रेखा के द्वारा एक्स अक्ष को तीन बार काटा गया है, इसलिए शून्यक तीन होगा। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तीन होगी। यहीं हम बात करते हैं, इसको हम पुनः अपने इस के द्वारा बनाते हैं। तो यहाँ पर ये दिया गया है किसी बहुपद पी एक्स के लिए वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ नीचे चित्रों में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करो। तो ये वाला दिया गया है, तो यहाँ पर हमारी लाइन ये दी गई है, ये क्या है वाई एक्स दिया गया है। वाई एक्स को इस प्रकार से ड्रॉ किया गया था, वाई एक्स को काटा गया था, लेकिन यहाँ पर ये वाली नहीं काटी गई है रेखा, इसलिए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ शून्य कितने होंगे। जब काटी ही नहीं गई है तो इसका भी जो आंसर होगा वो होगा शून्य। कितना होगा, शून्यक जो होगा वो होगा शून्य, शून्य होगा। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम सेकंड देखते हैं। यहाँ पर जो गणित में दिया गया है, हमारा गणित में दिया गया ये वाली लाइन दी गई है, इस वाली लाइन को यहाँ से हम इस प्रकार से हम ड्रॉ करते हुए ऐसे करके ले जाएंगे। तो यहाँ पर एक्स के द्वारा जो काटी गई है यहाँ पर लाइन, वो यहाँ पर काटी गई है, एक्स अक्ष पर काटी गई है रेखा के द्वारा। तो इसका जो शून्यक होगा वो एक बार काटी गई, तो इसका एक ही शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा, एक शून्यक होगा। इसी प्रकार से हम तीसरे ग्राफ की बात करते हैं, ये वाला तीसरा ग्राफ यहाँ पर जो दिया गया है, तीसरा ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ को हम इस प्रकार से डिनोटेड करते हुए ऐसे करके बनाते। अब देखिए यहाँ पर एक बार ये काटा एक्स अक्ष,
ये बाह्य अक्ष है, इसको हम नहीं लेंगे। ये वाला दूसरी बार हमारा काटा, तीसरी बार यहाँ पर ये काटा है। तो रेखा के द्वारा, इस रेखा के द्वारा जो एक्स अक्ष काटा गया है, 1, 2 एंड 3, 3 टाइम काटा गया है। तो हम इसका आंसर जो लिखेंगे उक्त ग्राफ में, रेखा द्वारा एक्स अक्ष को 3 बार, कितनी बार, 3 बार काटा गया है, इसलिए शून्यक कितने होंगे, 3 ही शून्यक होंगे। अगले में अगर हम चलते हैं तो यहीं पर हम अगला, इस प्रश्नावली का अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हुए ये वाला दिया गया है, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में ये देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर दिया गया है ये वाला क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया है ये वाले को इस प्रकार से डिनोटेड किया गया है। ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष दिया गया है। इसमें एक्स अक्ष को, ये वाली लाइन को 2 टाइम डिनोट काटा गया है, 2 टाइम क्रॉस किया है इस रेखा के द्वारा। तो 2 टाइम रेखा, तो हम इसका जो आंसर लिखेंगे उक्त ग्राफ में, ये वाला ग्राफ दिया गया है, उक्त ग्राफ में रेखा द्वारा, ये वाली रेखा दी गई है, रेखा द्वारा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष ये वाला दिया गया है, ये वाला को कितनी बार टच किया, काटा है, 1 बार, 2 बार, 2 बार काटा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 बार काटा गया है, इसलिए शून्यक 2 है, इसलिए शून्यक 2 है। अब आएंगे हम यहाँ पे फिफ्थ में। फिफ्थ वाला ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस फिफ्थ को, इस फिफ्थ को ही देखेंगे। इस फिफ्थ का हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये वाला दिया गया है इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से, यहाँ इस प्रकार से, और यहाँ पर आ गया, इस प्रकार से दिया गया है। तो एक्स अक्ष 1 बार यहाँ पे काटा गया है, दूसरी बार यहाँ पे काटा गया है, तीसरी बार यहाँ काटा गया, और चौथी बार यहाँ पर काटा गया है। इसलिए इसमें जो शून्यकों की संख्या होगी, इस ग्राफ के माध्यम से हम दर्शाएंगे। उक्त ग्राफ में ये वाला ग्राफ दिया गया है, उक्त ग्राफ में रेखा द्वारा, रेखा ये दी गई है हमारी, रेखा द्वारा एक्स अक्ष को, ये वाला एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार काटा गया है, 4 बार, 4 बार काटा गया है, इसलिए शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिक्स्थ क्वेश्चन आता है। ये हमारा ग्राफ दिया गया है, ये ग्राफ दिया गया है, तो इसको हम इस प्रकार से, पांच में ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये वाला, इसको हम ग्राफ बनाते हैं यहाँ पर, तो कुछ इस प्रकार से बनता है ये ग्राफ, इस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि ये यहाँ से नीचे से गया है, तो 1 बार तो यहाँ पर काटा है, 1 बार यहाँ पर टच हुआ है, ये मात्र यहाँ पर टच हुआ है, तो 1, 2, 3, 3 जगह हमारा टच हुआ है। तो उक्त ग्राफ में, इस ग्राफ में रेखा द्वारा, ये इस रेखा के द्वारा एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष इस वाली अक्ष को 3 टाइम, 3 बार काटा गया है, इसलिए शून्य कितने होंगे, 3 होंगे, 3 होंगे। ये आपकी प्रश्नावली पूर्ण हो चुकी है। यहाँ पर हमने नोट करके लिखा हुआ है, ये वाला हमारा नोट करके लिखा हुआ है। इन सभी प्रश्नों को अपनी पुस्तक में देखकर सीखें, और अपनी गणित की कॉपी लेकर, अपनी गणित की कॉपी लेंगे फेयर बनाने के लिए, एक अच्छी कॉपी ले लेंगे थोड़ा मोटी, उसमें हम अपने इन सवालों को हल करेंगे, हल करेंगे साफ साफ, अच्छे तरीके से राइटिंग से लिखेंगे, लेकर उसमें साफ साफ लिखेंगे। प्रत्येक पृष्ठ पर तारीख, मीन्स डेट, डेट डेट मीन्स तारीख जो होती है, जरूर डालेंगे। प्रश्नावली 2.2 के लिए बहुपद अगर हमारा दिया गया है ax2 + bx + c = 0, अगर इस प्रकार का हमें अगर कोई बहुपद दिया गया है,
अगर कोई बहुपद इस प्रकार का दिया गया तो उसके लिए सूत्र दिए गए हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र दिए गए हैं। मूलों का योगफल बराबर होता है ये माइनस माइनस एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसमें से मतलब इसका गुणांक क्या है, ये वाला गुणांक होगा। क्या गुणांक होगा? एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? ये वाला गुणांक है ए प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स का गुणांक, सॉरी सॉरी, यहाँ पर दिया गया है एक्स का गुणांक दिया गया है, एक्स का गुणांक है बी और एक्स स्क्वायर का गुणांक है ए। तो यहाँ पर क्या होगा, मूलों का योगफल बराबर सूत्र होता है एक्स का गुणांक, मतलब एक्स का गुणांक मतलब बी। यहाँ पर जो भी कुछ संख्या होगी वही इसको लिखा जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ये वाला, मतलब कि एक जो भी एक ही जगह पर होगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। या हम इसको कह सकते हैं मूलों का योगफल, मूलों के योगफल को हम अल्फा प्लस बीटा से डिनोटेड करते हैं, इक्वल टू इसको करेंगे माइनस बी, मतलब एक्स का गुणांक मतलब बी, इसका गुणांक बी है तो बी अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब ए, ए माइनस का चिन्ह ये लगा हुआ है, ये वाला सूत्र बन जाता है हमारा एक। दूसरा सूत्र बनता है हमारा मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल हमारा हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? अचर पद। अचर पद कहाँ है हमारा? यहाँ पर दिया गया होगा अचर पद सी दिया गया, इसको हम अचर पद के नाम से डिनोटेड करते हैं सी को। तो अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमने पहले ही बता दिया है आपको, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, ए एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, मतलब एक्स स्क्वायर के संग में कोई भी राशि यहाँ पर होगी वही हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा। मतलब मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, और या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए, क्योंकि अचर पद हमारा सी दिया गया है और एक्स स्क्वायर का गुणांक ए दिया गया है। धन्यवाद।